हापुड़ के दीवानी पब्लिक स्कूल में गोटीपुरा डांस का आयोजन किया, जो कि उड़ीसा पुरी का एक खास डांस है जो भगवान जगन्नाथ को अर्पित है। इस डांस के जरिए कलाकार दर्शाते हैं कि भक्त और भगवान का क्या रिश्ता होता है, भगवान ने किस तरह तत्वों का श्रृंगार किया है। इस डांस की तालीम गुरुकुल में दी जाती है, जहां 5 साल का बच्चा तालीम की शुरुआत कर सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत आए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करने के पश्चात की गई। कार्यक्रम की समाप्ति पर सभी उड़ीसा पुरी को आए कलाकारों पर फूल माला पहना कर स्वागत किया गया है। उन्हें उपहार में भेंट किए गए। कार्यक्रम का मकसद केवल बच्चों में अपने देश के प्रति शास्त्रीय संगीत व फोक डांस की प्रेरणा लाना था, जिसमें बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया है। पब्लिक स्कूल हापुड़ में स्पिक मैके के तत्वाधान में गोटीपुआ, जो कि एक उड़ीसा का नृत्य है, उसका बहुत सुंदर मंचन हुआ, जिसमें सभी मंत्रमुग्ध रह गए। ये गोटीपुआ छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के थीम्स पर इसे मंचन करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने इसको देखकर मंत्रमुग्ध होने का अनुभव किया, और ये जोन में, हापुड़ जोन में पहली बार मंचन किया गया है। इसके लिए हम स्पिक मैके के और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया के अत्यंत आभारी हैं। इस चीज से आपको बच्चों में जो मैसेज गया है, वो क्या मैसेज है? बच्चे अपने भारतीय कला को, अपनी भारतीय कल्चर को और गहराई से समझें, और समझें कि किस तरीके से हमारा कंट्री एक रिच कल्चरल हेरिटेज का है। हमारे कंट्री में जितनी तरीके की ये सब कलाएं हैं, हम धीरे धीरे स्पिक मैके के द्वारा इन सभी का मंचन अपने स्कूल में बच्चों के लिए करते रहेंगे। उसी गांव से हम लोग आए हुए थे, गोटीपुआ डांस का परफॉर्मेंस लेके यहां पर जो स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहां पर प्रोग्राम किया तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों लोगों के साथ मिला, और जो टीचर वगैरह है, प्रिंसिपल मैम है, उनसे साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम किए तो धन्यवाद देंगे स्कूल और हमारे जो स्पीक मेक संस्था है भारत सरकार के द्वारा, उनके द्वारा ये कार्यक्रम हर स्कूल में किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे लोगों को हमारे जो इंडियन कल्चर है और संस्कृति है, हमारे जो क्लासिकल फोक डांस है, सब ये सब उनको पता चले बचपन से। इसी कारण स्पीक मेक ये सब सारे स्कूल और कॉलेज में ये कार्यक्रम करता रहता है, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही पता चले हमारे संस्कृति के बारे में। आप कितने समय से क्लासिकल डांस सिखा रहे होंगे? एक्चुअली क्या है कि ये तो क्लासिकल डांस नहीं है, क्योंकि इसका जो इस गोटीपुआ डांस से जो बना हुआ है ओडिसी डांस, वो क्लासिकल है, लेकिन इसका सारा स्टाइल वगैरह सब कुछ क्लासिकल है, लेकिन फिर भी ये हेरिटेज डांस में जाता है। तो ये डांस हमारे गुरुकुल में बचपन से शुरू होता है, तो मैं भी जब छोटा था 5 साल से, तब से हम लोग ये नृत्य सीख रहे, गाना बजाना ये सब इंस्ट्रूमेंटल सब कुछ सीख रहे। अब तक कितने शिष्य होंगे आपके? हमारे गुरुकुल मेरा तो नहीं, हमारे जो दादाजी है पद्मश्री गुरु मागुनी दास, उनके 700 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे गुरुकुल से गए हैं, जाके अच्छा पोजीशन में है। तो अभी वो लोग भी क्या सब डांस सिखा रहे हैं? वो डांस सिखाता है कोई, कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाता है, कोई स्कूल बनाया है, कोई स्कूल में टीचर वगैरह है, ऐसे सब बहुत अच्छे जगह में है, मतलब कुछ कमा सकते हैं खाने पीने के लिए। जैसे कि ये बच्चे होते हैं ना, ये आदिवासी बच्चे होते हैं, जंगल में घूमना बिना पढ़ाई के ऐसे घूमना फिरना, तो उनको हम लोग लाके प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना देते हैं, और बचपन से जैसे कि वो बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो उनका जो माइंड सेटिंग हो जाता है कि हम लोग भी अच्छे बनेंगे और अच्छा पढ़ाई करेंगे, जैसे कि हम लोग फिर से जंगल में जाके घूमना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?